Hello guys, welcome back to my channel Edu Shower. Today I am going to discuss 50 important geography questions with you, and it will be a part 3 of my video. Video of this section, that is a 50 questions part. So earlier I have already uploaded 100 questions, 100 सवाल general awareness का मैं already part 1 में मतलब डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, 50 questions और दो part में डिस्कस कर चुका हूँ. आप लोग को link description box में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं. जो जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. और मैं बता देता हूँ कि ये चैनल जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो हम डिस्कस करते हैं. तो फिर बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट इमेजिनरी लाइन ऑफ द अर्थ. आंसर इक्वेटर. इक्वेटर एक अर्थ के बीच से एक लाइन जाता है, आपको पता होगा, जिसे इक्वेटर कहते हैं. ये एक्चुअली इमेजिनरी है, असली में कुछ है नहीं. नंबर 2, Which sea has separated the continents of Asia and Africa? Which sea has separated continents of Asia and Africa? Africa एक continent और Asia एक continent को कौन सा sea separate करता है? Answer will be Red Sea. Number 3, Which has naturally separated? What has naturally separated Asia and Europe? Asia और Europe को naturally क्या separate करता है? Answer, Ural Mountain Range. Number 4, The Kalahari Desert is in, Kalahari Desert कहाँ पे है? Answer, Africa. Number 5, Which gas is present largest in the atmosphere? Atmosphere में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? Answer, nitrogen. Number 6, Where is ozone layer located? Ozone layer protect us from the harmful radiations of the sun, like UV radiations. So, ये ozone layer जो है वो कहाँ पे है? Answer, stratosphere. Atmosphere में बहुत सारा मतलब आपका phases होता है, जैसे troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere. Stratosphere में आपका ozone layer मिलता है. Number 7, The deepest trench in the world is, ठीक है, जो नदी का जो ट्रेंच होता है, डेप्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आंसर, मरीना ट्रेंच उसको कहते हैं, पैसिफिक. नंबर 8, आसाम इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स? आंसर, 7 स्टेट्स. नंबर 9, द वार्म एंड ड्राई विंड सर्कुलेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन सहारा डेजर्ट इज कॉल्ड, एक अफ्रीकन सहारा डेजर्ट, धरती का सबसे बड़ा डेजर्ट अफ्रीकन सहारा डेजर्ट है, वो एक वार्म और एक ड्राई विंड एक क्रिएट करता है, जिसका नाम क्या है? सिरोको. नंबर 10, Which of the following is called lungs of the earth? Answer, tropical evergreen rainforest of Brazil. Amazon rainforest का नाम आपने सुना होगा, और वहाँ पे इतने घने biodiversity और जंगल है कि वो लोग सबसे ज़्यादा oxygen create करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि आपका lungs of the earth. Number 11, In India, tropical rainforest are found. Tropical rainforest India में कहाँ मिलता है? Andaman and Nicobar Island. अभी जो मैंने number 10 आपके साथ discuss किया है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये कि वंस अगेन, सो हियर यू सी द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दैट इज आल्सो नोन एज अमेजन रेन फॉरेस्ट, वो बहुत सारा ऑक्सीजन हमें देता है, पर अभी क्या कर रहे हैं वहाँ पे, पेड़ों को काट के, ठीक है, डिफोरेस्टेशन होके वहाँ पे सोयाबीन और ग्रासलैंड डेयरी फार्मिंग के लिए ग्रास उगाया जाता है, और उसे काट रहे हैं दिन ब दिन, उसका बहुत कम परिमाण में हो गया, उसे नष्ट किया जा रहा है, ठीक है. नंबर 11, मैंने आपको बोला है इन इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे मिल जाएगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. नंबर 12, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है इस धरती का वो है नाइल, सेकंड लार्जेस्ट रिवर अफ्रीका का नाम है कोंगो. नंबर 13, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड्स इज लोकेटेड इन अरेबियन सी. नंबर 14, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो एकदम सेंट्रल कोर है उसे क्रस्ट कहते हैं, तो सरफेस से वो कितने नीचे है? आंसर, अबाउट 40 किलोमीटर. नंबर 15, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सन कितना दूर में है, दूरियां कितना है इन दोनों में, इन दोनों में? आंसर, 14.96 करोड़ किलोमीटर. नंबर 16, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस में पानी का मात्रा ज़्यादा होता है तो कितना परसेंटेज है? आंसर, अबाउट 71%. नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई लैंड, लैंड का मात्रा कितना है? अगर 71% पानी है तो लैंड का मात्रा कितना है? आंसर, अबाउट 29.08%. नंबर 18, व्हाट इज द वर्ल्ड्स कूलेस्ट प्लेस, ठीक है, इस धरती का सबसे ठंडा जगह कौन सा है? आंसर, विरख्वास्क, जो आपका रशिया में है. नंबर 19, व्हाट इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्पेस, आंसर, सीरियस ए, विच इज ऑल्सो नोन एज अ डॉग स्टार. नंबर 20, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ, सबसे नज़दीक में अर्थ का कौन सा प्लेनेट है? आंसर, विनस. नंबर 21, विच प्लेनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, कौन सा प्लेनेट का नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? आंसर,
मर्क्यूरी एंड वेनस, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून, वो लोग का नहीं है। नंबर 22, विच प्लैनेट हैज फोर्थ सैटेलाइट डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो? गैलीलियो ने जो जुपिटर का जो फोर्थ सैटेलाइट उसका आविष्कार किया था, ठीक है, कौन सा? जुपिटर का आंसर हो जाएगा जुपिटर, ठीक है। नंबर 23, व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा इज ए आंसर ए डेड स्टार। नंबर 24, व्हाट इज द अप्रॉक्सिमेट रेडियस ऑफ अर्थ? अर्थ का रेडियस कितना होता है? आंसर 6400 किलोमीटर। नंबर 25, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द मून ऑन द अर्थ? मून का खुद का रोशनी होता नहीं है, सूरज का रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करके धरती पे भेजता है, तो रिफ्लेक्ट करके धरती पे भेजने के लिए कितना समय लग जाता है? आंसर 1.3 सेकेंड। नंबर 26, इन विच मंथ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज लेस? कौन सा महीने में अर्थ और सूरज का और अर्थ का जो डिस्टेंस है सबसे कम होता है? आंसर जनवरी में, वो भी 4 तारीख को। कितना डिस्टेंस होता है? 146.6 मिलियन किलोमीटर। नंबर 27, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डे इन अ ईयर? एक साल में सबसे छोटा दिन कब होता है? आंसर 22 दिसंबर। नंबर 28, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डे इन अ ईयर? एक साल में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून। नंबर 29, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ असम? असम का टोटल एरिया कितना है? आंसर 78,433 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 30, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ माउंटेन रेंज ऑफ असम? असम में पर्वत बहुत ज्यादा है, तो वो कितने परसेंटेज है, कितना एरिया है? आंसर 15,322 स्क्वायर किलोमीटर में माउंटेन रीजन है असम में। नंबर 31, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बराक प्लेन? दो रिवर है और दो वैली है, या फिर दो प्लेन है हम बोल सकते हैं असम, एक ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र वैली, और एक बराक वैली, है कि नहीं? तो टोटल एरिया जो बराक प्लेन है या फिर बराक वैली, वो कितना है? आंसर 6,962 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 32, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन? ब्रह्मपुत्र प्लेन का कितना टोटल एरिया है? आंसर 56,000 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 33, देयर आर डैश डिस्ट्रिक्ट्स इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन? ब्रह्मपुत्र प्लेन में कितना डिस्ट्रिक्ट्स है? आंसर 22। नंबर 34, देयर आर डैश ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन? ब्रह्मपुत्र काफी बड़ा नदी है, ठीक है, तो फिर एशिया का मतलब लंबे जो नदियां हैं उनमें से ब्रह्मपुत्र एक है, उसका काफी ट्राइब्यूटरीज है, तो कितने ट्राइब्यूटरीज है आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन में? आंसर 30। नंबर 34, डैश इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका? अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे बहुत सारा कंट्री है, सबसे ज़्यादा किस देश में है अफ्रीका के? आंसर नाइजीरिया। नंबर 36, द टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम? असम में एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 33। नंबर 37, द टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ असम, आई एम सॉरी असम होगा, द टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ असम कितना, कहाँ पे है असम में? आंसर मानस नेशनल पार्क। नंबर 38, द सब डिवीजन ऑफ द कछार डिस्ट्रिक्ट, कछार डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन का नाम? आंसर सिलचर। नंबर 39, द मानस नेशनल पार्क इज इन, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है असम में? आंसर चिरांग डिस्ट्रिक्ट। नंबर 40, हरमती इज ए आंसर कॉफी गार्डन। नंबर 41, विच इज द लार्जेस्ट टाउन ऑफ बराक वैली? बराक वैली का लार्जेस्ट टाउन क्या है? ब्रह्मपुत्र वैली का तो बहुत है, गुवाहाटी हो गया, मेट्रोपोलिटन सिटी है, जोरहाट है, डिब्रूगढ़ है, तो बराक प्लेन का क्या है लार्जेस्ट टाउन? आंसर सिलचर। नंबर 42, वेयर इज द लोन फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ असम लोकेटेड? असम का फर्टिलाइजर कंपनी जो अकेला एक मतलब एक ही जो है वो कहाँ पे है? इन नामरूप में है वो। नंबर 43, वेयर इज द सीमेंट फैक्ट्री ऑफ असम सिचुएटेड? सीमेंट फैक्ट्री असम में कौन सी जगह में है? आंसर बोकाजान। नंबर 44, द रिवर गंगा फ्लोज टू, रिवर गंगा कहाँ पे फ्लो करता है? आंसर इंडियन ओशन, मतलब भारत से फ्लो करके वो कहाँ पे जाके गिरता है? इंडियन ओशन में। नंबर 45, द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया कवर्स ऑफ अर्थ सरफेस, एशिया जो मतलब टोटल जो अर्थ सरफेस है कितना है? 21% अर्थ सरफेस पूरा अर्थ का, बाकी जो 79 है वो क्या है? पानी है। तो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो 21% में कितना पार्ट लेता है? 1/3, ठीक है। नंबर 46, विच इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर पामीर प्लेटू, ठीक है, इट इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 46, द फ्लड फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, असम में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता रहता है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट उसके इफेक्ट में आते हैं, फ्लड फ्री डिस्ट्रिक्ट असम में कौन सा है? आंसर कार्बी आंगलोंग। नंबर 48, द कॉन्टिनेंट हैविंग नो परमानेंट सेटलमेंट इज
अंटार्कटिका, मतलब वहाँ पे कोई लोग रहते नहीं है, तो वो से नो परमानेंट सेटलमेंट. आंसर अंटार्कटिका. एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पे वैज्ञानिक लोग जाते हैं, पर परमानेंट तरीके से कोई वहाँ पे रहता नहीं है, इनहिबिटेड नहीं है लोगों का. नंबर 49 आंसर, सॉरी, व्हाट द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया. आंसर यांगते रिवर, वो चाइना में है, वो 6300 किलोमीटर लंबा है. ब्रह्मपुत्र कितना है, वो तीसरा वो मतलब काफ़ी मतलब लंबे नदियों में ब्रह्मपुत्र भी गिरता है, उसका लेंथ कितना है, 3000 के करीब है, 3000 से ऊपर ही है. और ये जो यांगते रिवर है, ये आपका चाइना का सबसे बड़ा लंबा नदी है और वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट. ओके. नंबर 50, द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका इज नोन एज द माउंट किलिमंजारो. So that's all for today, guys. Thank you for being here. Thank you for watching. If you like my video, then like, share and subscribe with your friends. And if you have any comment regarding the video or you want to give any suggestion, please write it down in my comment box. And I have another channel which is known as Edogenesis Portal. Then please like and subscribe and ek bar use jaake dekh lijiye. Aur ye video kaisa laga mujhe zarur bataiye. So thank you so much. Bye-bye. Take care.